जांच में ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो हत्या की सुपारी लेकर मऊ के बस एजेंट की हत्या करने जा रहे थे। वहीं इन आरोपियों के पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना भी थी। पकड़ाए गए आरोपियों के साथ हथियार भी बरामद किए गए। तस्वीरों में नजर आ रहे वो आरोपी है जो एक बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले क्राइम ब्रांच ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ युवक गंभीर नदी के पुलिया पर बैठे हैं, बड़ा अपराध करने की योजना बना रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने किशनगंज पुलिस के सहयोग से इन आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा है, जिनकी तलाशी में बड़ी मात्रा में हथियार भी मिले, जिसमें दो देशी कट्टे, बड़े धारदार चाकू व लोहे की रॉड भी शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने पहले तो पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बताई, वहीं उसके बाद मऊ गांव के बस एजेंट अशोक वर्मा की हत्या की योजना बनाई थी। आरोपियों ने बताया कि घर द्वार के रहने वाले नींबू पहलवान व मऊ के बस स्टैंड अशोक वर्मा के मध्य लंबे समय से बसों के परिचालन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते नींबू पहलवान ने इन आरोपियों को एजेंट को खत्म करने की सुपारी दी थी। फिलहाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शहर में दो बड़ी घटनाओं को रोक लिया है। वहीं पुलिस पकड़ाए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इन आरोपियों पर पूर्व में कई अपराध दर्ज है। क्राइम ब्रांच इंदौर को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बदमाश हथियारों से लैस होकर के कहीं डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, और साथ ही किसी अन्य को मारने की कुछ योजना भी है उनकी। ये बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन क्राइम ब्रांच की टीम को रिसीव हुई थी, जिस पर बहुत फास्ट एक्शन लेते हुए उस जो पूरे गिरोह था उसको आइडेंटिफाई किया गया और थाना किशनगंज को सूचित करके इनको गंभीर नदी पुलिया एबी रोड के पास में इनकी जो एक गाड़ी थी, मारुति वैन थी, उसको जब इंटरसेप्ट किया गया तो उसमें 6 बदमाश उस गाड़ी में मिले, जो कि कुछ उसमें से नशे की हालत में थे, और उनके पास में हथियार भी बरामद हुए, जो 2 देशी कट्टे, 2 धारदार चाकू और 2 टामी, और वारदात में जो 4-पहिया वैन जो प्रयुक्त की जा रही थी ये इसको भी बरामद किया गया और इस सूचना को सही पाया गया। और उनसे उनकी योजना वहाँ पेट्रोल पंप पर फ्लाइंग जंक्शन पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की उनकी योजना थी। साथ ही इसमें पूछताछ पर ये खुलासा हुआ कि इसमें ये अशोक नहीं इसमें जो मनोज वर्मा जो आरोपी है उसमें मनोज वर्मा, रोहित कोकसे, लखन पंचोली, शिवा वर्मा, सुनील भालेकर और जितेंद्र बदामे, ये आरोपी पकड़े गए। और इसमें पूछताछ पर इन्होंने ये बताया कि ये पेट्रोल पंप लूटने के बाद महू के बस एजेंट अशोक वर्मा की हत्या को भी अंजाम देने की तैयारी में थे। इनसे इनके जब रिकॉर्ड चेक किए गए तो उसमें ये क्लियर हुआ कि इनके अधिकांश लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, और ये भंवरकुआं में रहने वाले निब्बू पहलवान और महू के बस एजेंट अशोक वर्मा के मध्य काफ़ी समय से चल रहे विवाद के चलते इनको इसमें इंगेज किया गया कि ये अशोक वर्मा की हत्या कर दें उसी को लेकर के, और पैसे डकैती की तैयारी के साथ में इनके पैसे लूटने की भी प्लानिंग थी, और साथ ही साथ इसको निपटा करके कुछ इनको सुपारी के लिए भी आश्वासन मिला था, जो ये जिसके चलते ये लोग इस घटना को अंजाम दे रहे थे। इसमें इनके बैकग्राउंड में ये बात स्पष्ट हुई है कि निब्बू पहलवान का भाई बस ऑपरेटर है और अशोक वर्मा बस एजेंट है। उनके बीच में चल रही दुश्मनी में अशोक वर्मा को खत्म करने के लिए साजिश रची गई थी। निब्बू पहलवान पर दर्जन भर से अधिक प्रकरण दर्ज हैं, फिलहाल फरार है। इसमें 120B के तहत उसको भी आरोपी बनाया गया है, और ये अभी कुछ समय पहले ही जमानत से बाहर आया है, और स्वयं इस घटना को अंजाम देने की बजाय उसने इस टीम में जो बदमाश से जो गिरोह था उनको इसमें इंगेज किया। मारुति वैन से जैसे ही ये सवार होकर के निकले, इसमें सूचना मिलने पर पुलिस टीम के द्वारा पेट्रोल पंप लूटने के पहले ही इनको पकड़ा गया, और साथ ही संभावित जो हत्या हो सकती थी उस रकम के बारे में पूछताछ चल रही है। ये स्पष्ट है कि इसमें इनको मारने के लिए इंगेज किया गया था, और इनसे अभी इनको PR पर लेकर के और पूछताछ की जा रही है।